शिवसेना की नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हुई। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल कोविड 19 महामारी के दौरान मुंबई नगर निगम द्वारा बॉडी बैग की खरीद से संबंधित एक कथित घोटाले की चल रही जांच में ईडी के समन के बाद किशोरी पेडणेकर से आज ईडी पूछताछ कर रही है। विशेष रूप से ये दूसरी बार है जब पेडणेकर पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश हुई है। वे इससे पहले पिछले साल नवंबर में ईडी के सामने पेश हुई थी। पिछले साल नवंबर महीने में जब पेडणेकर को ईडी अधिकारियों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने बॉडी बैग से प्रभावित अनुबंध में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया था। आरोपी कंपनी मैसर्स वेदांता इनोटेक प्राइवेट लिमिटेड को ठेका देने के लिए बीएमसी अधिकारियों को निर्देशित देने में उनकी कथित भूमिका और बीएमसी की खरीद में बॉडी बैग की कीमत कथित तौर पर बढ़ाने में संदिग्ध भागीदारी के लिए उनसे पूछताछ की गई थी। नमस्कार